नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जी, ये हो रखा है दोपहर का समय और मैं जा रही थी छत पर ऊपर के कमरे में। आज फिर से सफाई करके आनी है, क्योंकि अब मैंने सोचा कि हर दूसरे दिन कूड़ा उठा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर ज़्यादा फैल जाता है। इसलिए तो यहाँ से मैं छोटे वाला वाइपर लेने आई हूँ। तो बस वो वाइपर लेकर के मैं छत पर जाऊँगी। और जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए जी, छत पर चलते हैं और अपने जो काम है उसे पूरा करके आते हैं, क्योंकि अभी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया है ये ऊपर की छत का काम भी। अभी हम हैं छत पर, अब हम करेंगे अपना कमरा साफ। कमरा तो वैसे साफ ही है, जब उन्होंने गंद कर रखा है ना पिंजरे के नीचे, उसे साफ करेंगे। और ये देखो, कल तो विंडो खोली जाए, बहुत ज्यादा बदबू आ रखी है। नहीं करा शोर, चल हट जरा। तेरे पापा ने खोला था क्या कमरा उनको? यहाँ कैसे पानी हो रखे? तो अच्छा, उस दिन का पानी सूखेगा नहीं, कैसी बातें कर रही हैं। इसके नीचे से ना, अब जितना गंदा इसके नीचे आ गया होगा, क्योंकि वो बहुत गंदा जाता साफ करने में। ये देखो, तो कमरा उतना गंदा नहीं है, साफ ही। अब चलते हैं, ये वाला पोर्शन है बस, यही साफ करना है। भाई ये वाला फ्लावर तीन पत्ती का ही तो होता है, इसमें मतलब तीन पत्ती होती है, बीच में कट होता है तो छह पत्ती लगती है देखने में ना। ये नहीं होता, चार पत्ती का नहीं होता बेटा, वाला फ्लावर चार पत्ती का भी होती है। मैं तो नहीं देखा आज तक, होता है और वो लकी चलो बोल रही। आप भी वी की तरह बस यही ढूंढते रहते हो गमलों के अंदर। इनके ऊपर ऐसे कांटा सा लगा एक, ये ना जब पक जाता है ना तो कांटा ऐसा जाता है, बहुत पहना। घर तो पी गई है और फिर वहां पी अभी इधर आया। ये क्यों पहन रहे हैं? चाचा हेलमेट लगाएंगे ना, इसलिए पहन रहे हैं। अरे बाल बचे नहीं बाबू, बाल बचे नहीं सर पे, बाल नहीं। हाँ मास्क क्यों उतारा? मास्क इसलिए उतारा, अरे सबको बुखार हो गया था ना, इसलिए बोल रही है। बुखार हो गया था फिर हम सब ने अपना टेस्ट वेस्ट कराया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अच्छा वो तो लाए हो, पपीता तो लाए हो ना। अरे तो क्या हो गया? नहीं ना, खिचड़ी दे रहे हो। अरे नहीं, समझा करो, ये वीडियो बन रही है इसमें। तो हाँ सर, वीडियो बना रखी है। किसकी? तुम्हारी। क्यों? मेरा देवर। और आपका भाई? हैं? आपका भाई?
मेरा भाई तो मेरा भाई लगता है, आपका मामा लगता है। बेटा खराब हो जाएगा मेरे को तो। और तो और जो अभी आए थे ना उनको नैना सोना सोच रही थी किसके मामा हैं, जैसे उन्होंने एंट्री करी कह रही उससे हैप्पी से कह रही मामा आ गए मामा। तुझे मामा लग रहे थे वो सुई उनके पास तेरे को दिखाई थी सुई उन्होंने हा? क्या कह रहे थे दो दो सुई थी उनके पास लगा रहे थे तेरे लगा देते अगर तू ज्यादा वो करती ना है ना आपको मारती ऐसी करती तो तुमको पता नहीं चलता इनकी पिटी मारती थी पता लग जाता मैं बोल देती उनसे क्यों जब तू मुझे मारती तो देख ये आजकल के बच्चे गंदी कहीं की गंदे वो होते हैं जो अपने माँ बाप को मारते हैं गिर जाएगी वो गंदे होते हैं अपने बच्चों को मारते हैं वो भी गंदे होते हैं जो अपने बच्चों को मारते हैं लेकिन गलती करने पे तो मारना पड़ता है ना बच्चों को है ना तुझे सोच रही कि मामा है फिर मैंने बोला मामा नहीं बेटा चाचा है मेरे भैया नहीं तेरे पापा के भैया है मेरा देवर चल ठीक है हटा अंगूर खा ले चल चला मैंने नीचे मारा मैं बाहर भी उड़ गया हवा में उड़ गए बाहर इतना सारा तेल इसने खुद से डाला है ना मैं तो डर डाला खुद भी डाला तेल अपने सर में है ना तो गिर जाएगी सोना और कोई तेरे पीछे नहीं खड़ा होगा तो धुड़ूम से गिर पड़ेगी बेटा चोट लग जानी है ऐसे नहीं करते छोटी गंदी बात होती है बहुत ज्यादा मैं अभी तो खड़ी हूँ तेरे को ऐसा आदत पड़ गई है खड़े हो गए कूदने की ना ऐसे ना कर सोना चल बैठ चल अब काम करेंगे स्कूल का बहुत सारा काम पेंडिंग है अच्छा सब फोन में लगे रहना कोई भी स्कूल का काम मत करना है ना मैं करूंगी बच्चे बच्चे दंदे बच्चे बच्चे ये अच्छी बच्ची बनेगी क्योंकि स्कूल का काम करेगी और आप लोग काम मत करना है स्कूल का मैं तो फोन देखूंगी मैं ना फोन देखूंगी मेरी मांची मां मैं स्कूल का ना अरे मेरी तो मांची अच्छा बात आ रही है चलो चलो काम करेंगे स्कूल का ना गंदी बात चलो ये मेरे साथ में उबर गई थी काम कराने के लिए और उन्हें खाना डाल के नहीं आई और आ गई भाग करके बीच में है ना मैं डाल आई उन्हें खाना लग ही रहा था तो जी अभी मैं हूँ किचन में और अभी हो रखा है शाम का समय तो बच्चे बोले कि मम्मी मैगी बना दो आज नैना का दिल कर रहा था कह रही कि ना उसको बिल्कुल मैगी को ना छोटा छोटा पीस करके तब बनाना तो मैंने कहा चल ठीक है मैंने कहा चलो आज मैं भी अपने लिए मैगी बना लेती हूँ तो फिर हमने तीनों के लिए मैगी बनाई और हम तीनों बैठ के खाएंगे मैगी चाय तो मैं फिर बाद में पीऊँगी बना करके लेकिन पहले मैगी खाऊंगी उसके बाद चाय पियेंगे तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी पहले नैना के पास तो सोना बोले कि ना कि नहीं आप ना मेरे पास बैठो मेरे पास ही बैठो और मेरे पास बैठकर ही खाओ तो मैं उसको बोले अरे कोई नहीं मैं उधर ही तो बैठी हूँ नहीं आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो आप तो सिर्फ नैना से प्यार करते हो फिर उसके ऐसे ड्रामा स्टार्ट हो गया तो मैंने कहा चल ठीक है मैं तेरे पास बैठकर ही मैगी खाती हूँ तो जी अब मैं दोबारा से किचन में हूँ और अब मैं बनाऊँगी रात का खाना तो रात के खाने में मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता और एक मैं बनाऊँगी हरी मिर्च का ना मतलब वो मूँगफली डाल के बनेगा उसे थीचा बोलते हैं महाराष्ट्रियन डिश है वो तो मैंने सोचा कि चलो बना के देखती हूँ अक्सर ये बोलते हैं ना कि हाँ कुछ दे खाने के लिए साथ में मिर्च वगैरह दे तो वैसे तो मैं छोंक देती हूँ करौंदों के साथ ना मिर्ची तभी तो लेकर के नहीं आए या तो करौंदे पता नहीं मार्केट में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं मार्केट जाती नहीं सामान लेने के लिए यही जाते हैं और मैंने अपने रेहड़ी वाले पे भी नहीं देखा जो सब्जी लेकर के आते हैं ना गली में तो मैंने उनके पास भी नहीं देखे तो मैंने कहा चलो मैं ये बना के देखती हूँ कैसा लगता है और फिर देखिएगा अगर आप लोग जो तीखा खाते हैं ना अगर वो ये खाएंगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ही तीखा बना था ये क्योंकि इसमें सिर्फ हरी मिर्च थी मूँगफली की गिरी थी और लहसुन था और जीरा था और तेल के अंदर इन सबको अच्छे से भून दिया था नमक डाल दिया और फिर इसको मिक्सी में ऐसे मतलब बिल्कुल दरदरा सा करना है मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ जैसे हमने मिक्सी में डाला इसको
और डालने के बाद ना हम इसे पल्स चलाते हैं ना मिक्सी का, ऐसे बस एक बार बटन दबाया फिर बंद कर दिया एक सेकंड के लिए, फिर दोबारा बटन दबाया फिर बंद कर दिया, बस दो सेकंड मुश्किल से चलाना, उसके बाद ये अच्छे से बन जाएगा। मतलब जितना इसको क्रश होना है ना उतना ये हो जाएगा, जितना भी इसको पिसना होगा उतना हो जाएगा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना इसका ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कितना दरदरा रखना है ना उतना, और बस और मिर्च को तब तक पकाना है जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए ना, आपको खुद ही उसका धसका आने लगेगा ना, स्मेल चढ़ेगी आपको उसकी, मिर्च की धसक हो जाएगी, आपको लग जाएगा पता कि हाँ भाई अभी मिर्च पक चुकी है। तो यहाँ मैं बैंगन का भरता बना रही थी तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी, और इस चौपट में बहुत परेशान हूँ, या तो ये ख़राब होएगा तब दूसरा आएगा, या फिर वो इसे ठीक करेंगे खोल के, या फिर दूसरे वाले को ठीक करेंगे, या फिर तब ठीक होएगा। तो बहुत परेशान हूँ इस चौपट से, क्योंकि बहुत आवाज़ करता है और ना इसके अंदर सामान ना टिकता नहीं जल्दी से ना, अगर बैलेंस बिगड़ जाए ना धुड़ुम से गिर भी जाता है और फिर सामान फैल जाता है सारे में, इसलिए। तो ये देखो, और नैना से मैं रिकॉर्ड करवा रही थी, मैं बोल रही थी नैना यहाँ पर खड़े हो जा और ज़रा रिकॉर्ड कर, तो वो कह रही मम्मी मिर्च का दसका मेरी आँख नाक सब में जा रहा है, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर खड़ी हो जाओ फिर चली जाइयो। तो बस उसने ऐसे रिकॉर्ड कराया यहाँ पर खड़े हो करके। तो बस अभी उसी की पसंद का भरता बनाया वैसे तो मैंने ना, लेकिन उसने पता नहीं क्या उसका पेट भरा, शायद मैगी खा ली थी ना हम लोगों ने शाम को, तो उसने खाया नहीं फिर अच्छे से खाना ना, मुश्किल से एक रोटी खाई उसने, बोल रही कि मेरा पेट भर गया है। मैंने कहा चल नहीं खा रही तो फिर मत खा, आप क्या कर सकते हैं, और बस भरता ही बन जाएगा, फिर रोटियां सेकूंगी, रोटियां बनाऊंगी। अच्छी थोड़ा खा के देखे ना, नहीं आप भी खाओ, इतनी सारी हो गई बड़ी। हाँ पापा को मिर्च खाने का बड़ा शौक है, नहीं खिलाना पापा को आज। पापा को ये खिलाओगे पापा से फिर डांट भी खाओ। क्यों टिकी टिकी है पानी में, पानी में खा लेंगे। हाँ सारी बखेड़ी चलो हो गया। ये सो फिर नमस्ते करने के बाद है ना, अभी सो जाएगी ना तुरंत, ये तुरंत नहीं सोती है, ये कहानी सुन के सोती है। किस दिन सुनाऊंगी मैं आपको कहानी ना, जो ये कहानी सुन के सोती है। कौन सी कहानी सुनती है सोना है? सीता माता की नितनेम की कहानी सुन के सोती है ये, इसको वो कहानी सुने बिना नींद नहीं आती आजकल। कोई सुनाता नहीं है, कोई सुनाता नहीं है, सुनाती तो हूँ मैं, मुँह बंद करके सो दे, मुँह खोल के सुलवा दे, ऐसे नहीं करते सोना, गंदी बात, अब टूटने स्टार्ट होंगे। तो जो मैंने बनाया था ना मिर्च का, मैं बात ही नहीं कर रही, बाद में बात करूंगी।